गुड हेल्थ चैनल पे आज का टॉपिक है यूटराइन फाइब्रॉइड एंड नेचुरल रेमेडीज। फाइब्रॉइड्स यूटरस में एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो 20-80% फीमेल्स में देखी गई है उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में यानी मेनोपॉज के पहले। 99% टाइम्स तो फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं होते, पर 1% चांस है कि वो कैंसर भी हो सकता है। कुछ लोगों को फाइब्रॉइड्स के कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते, बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनका पता भी नहीं पड़ता, और कुछ लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होना, बैक पेन होना, मिड साइकिल ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं फाइब्रॉइड्स के। फाइब्रॉइड स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के हो सकते हैं। स्मॉल यानी 1 cm to 5 cm यानी छोटे मटर के दाने के जितना, स्ट्रॉबेरी के जितना। मीडियम साइज यानी 5 से 10 cm, प्लम या ऑरेंज के जितना। और लार्ज यानी 10 cm से भी ज़्यादा यानी ऑरेंज से वाटरमेलन के साइज के जितना। इसके अलावा ये यूटराइन वॉल के अंदर हो सकता है जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, या अंदर यूटरस की कैविटी में हो सकता है जिसे हम सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। कुछ फाइब्रॉइड यूटरस के बाहर ग्रो होते हैं जिसे सब सेरोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। स्टडीज कहती है कि सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड जो अंदर कैविटी में होता है वो ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग करता है क्योंकि वो यूटरस के अंदर की लाइनिंग को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा साइज पे डिपेंड करता है, अगर मीडियम साइज या लार्ज साइज है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, मिड साइकिल ब्लीडिंग है, डिस्कम्फर्ट है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना ज़रूरी है। ये हेरिडिटरी हो सकता है या ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सपोजर से हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो सकता है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अलावा कुछ नेचुरल रेमेडीज़ है जो आप ले सकते हैं। मेडिकल न्यूज़ टुडे कहता है कि 2016 के एक स्टडी ने बताया कि डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए या फाइब्रॉइड्स को बढ़ाने के लिए भी। तो देखते हैं ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो फाइब्रॉइड को बढ़ाते हैं और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो फाइब्रॉइड को श्रिंक करते हैं। फाइब्रॉइड को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स हैं रेड मीट, हाई कैलोरी, हाई शुगर, हाई फैट फूड आइटम्स। तो रेड मीट को आप वाइट मीट से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि चिकन हो गया या फिश हो गई। सबसे बेस्ट है प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन खाना। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ले सकते हैं जैसे कि बीन्स हो गए, पल्सेस, दाल्स। तो रेड मीट को अवॉइड करें। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ईस्ट्रोजन हो सकता है जो आपके फाइब्रॉइड को बढ़ाएगा, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो हमारे हार्मोन लेवल्स पे असर कर सकते हैं। विटामिन, कुछ स्टडीज कहती है कि विटामिन ए अच्छा लेने से फाइब्रॉइड जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होते। आप अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, बेरीज जिसमें विटामिन ए अच्छा हो, फ्लेवोनॉइड्स अच्छे हो, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन्स और ऑरेंजेस, ब्रॉड बीन्स, ये सब फाइब्रॉइड को श्रिंक करेंगे। ज़्यादा ब्लीडिंग होने से एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, इसलिए आप आयरन रिच फूड खाएं जैसे कि डेट्स, पालक, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तीसरा है हर्बल रेमेडीज जैसे कि ग्रीन टी जो आपके फाइब्रॉइड के सिम्टम्स को कम करती है। इसके अलावा हल्दी यानी टर्मरिक जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें कर्क्यूमिन सब्सटेंस होता है जो फाइब्रॉइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है उसे ग्रो करने से। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी आपको फाइब्रॉइड ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा कुछ स्टडीज़ कहती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अपना वेट बढ़ने नहीं देना, उसे मेंटेन करना, इन सब से फाइब्रॉइड कम होंगे। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना है। रिफाइंड ग्रेन जैसे मैदा अवॉइड करके होल ग्रेन्स लेना है जैसे कि मिलेट्स हो गए। डॉक्टर खादर कहते हैं कि लिटिल मिलेट्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन लिटिल मिलेट्स खा सकते हैं, उसकी आमली बना के खा सकते हैं या उसकी इडली, डोसा, चावल को रिप्लेस करके लिटिल मिलेट्स खा सकते हैं। अच्छा फाइबर खाना है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस लेने से हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, फाइब्रॉइड्स बढ़ सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फाइब्रॉइड से दूर कर सकती है। तो फाइब्रॉइड से घबराए नहीं, डॉक्टर से मिलके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सर्जरी भी करा सकते हैं फाइब्रॉइड्स को निकालने के लिए। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।